कृषि कानूनों के विरोध में आज वेस्ट यूपी में बीकीओ ने किया प्रदर्शन, काला दिवस मनाकर सरकार का पुतला फूका। यूपी में 15 जून के बाद मिलेगा श्रमिकों पटरी दुकानदारों को भरण पोषण भत्ता, डीएम की समिति करेगी पात्रों का चयन। यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्वीट, कोरोना नहीं था फिर भी 3 साल पहले ऐसी ही थी गंगा किनारे की तस्वीर। गंगा किनारे शव दफनाने बहाने से बड़ी प्रदूषण की आशंका, आईआईटीआर की टीम ने कानपुर, प्रयागराज व काशी के लिए नमूने। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं से यूपी का सियासी माहौल गरमाया, भाजपाइयों में बड़ी बेचैनी। यूपी के महोबा में हाईवे पर बस पेड़ से टकराई, 18 यात्री घायल। ब्लैक फंगस के कारण आईआईटी कानपुर के छात्र समेत 4 की और मौत, लखनऊ में भर्ती हैं 240 मरीज। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में इंजेक्शन की किल्लत से ब्लैक फंगस के मरीजों की बड़ी परेशानी, बीएचयू में 78 का चल रहा है इलाज। यूपी सहकारिता विभाग में 61 फर्जी नियुक्तियां, पूर्व एमडी समेत कईयों पर एसआईटी ने दर्ज की 6 एफआईआर। ललितपुर में लॉकडाउन के चलते 24 घंटे के भीतर 4 लोगों ने की आत्महत्या, 3 ने फांसी लगाई तो 1 ने कुएं में कूद कर दी जान। बदली और बारिश दिलाई की गर्मी से राहत, पूर्वी यूपी में भी दिखेगा तूफान यास का असर। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।